खेतलाजी एवं ब्राह्मणी माताजी मंदिर तृतीय वर्षगांठ महोत्सव के अंतर्गत जो कार्यक्रम रखा है प्रजापति समाज ने, और आपके प्रजापति जो समाज है, कुमार समाज जो है, वो है कौन? आज के जमाने में मैं पूरे देश के अंदर घूम रहा हूं और मुझे गर्व हो रहा है कि आपकी प्रजापत समाज ने पूरे देश के अंदर अपनी तरक्की की है और बिजनेस में काफी आगे तक पहुंचे हैं। मैं देख रहा हूं पढ़ाई में भी काफी आगे तक बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे हो। आपकी समाज वो समाज है, प्रजापत समाज वो समाज है जो मिट्टी को पिघला के, कूट कूट के और तपती धूप के अंदर उसका आकार बदल देती है। वो प्रजापत समाज है जिन्होंने इस देश के अंदर आज से नहीं बल्कि सदियों से, जब से इस पृथ्वी की स्थापना हुई तभी से मानव के लिए हमेशा आपने सेवा का कार्य किया है, मानव की रक्षा का कार्य किया है, जीव जंतुओं की रक्षा का कार्य किया है, पशु पक्षियों की रक्षा का कार्य किया है। धार्मिक कार्य में आपकी प्रजापत समाज भी काफी हद तक आज से नहीं बल्कि सदियों से आगे है। और आज तो देख रहा हूं मैं कि पूरे देश के अंदर आपकी समाज फैली हुई है, व्यापारी लाइन में भी काफी लोग आगे हैं, बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज आपके गांव में आके भी मुझे काफी खुशी हुई, यहाँ पर कहा कि भाई 37 कौम के करीबन 300 घर हैं और सब लोग हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि आप सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मगर एक छोटी सी मेरा निवेदन है आप लोगों को कि 300 घरों की बस्ती है इस गांव के अंदर, मगर एक गौशाला नहीं है। तो मेरा आज यहाँ पर आना और आप सभी लोगों से निवेदन करना यह है कि यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण हो, छोटी मोटी गौशाला करने वाली गौ माता करेगी, मगर आप प्रयास कीजिए, आपकी जो आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी हो जाएगी। एक गौशाला का निर्माण इस गांव में करवाएं। देखिए इस सनातन संस्कृति की कोई जड़ है, इस भारत देश की कोई जड़ है, हमारे धर्म की जड़ है, हिंदुत्व की अगर कोई जड़ है तो वो गौ माता है। वो विश्व से मात्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में लिखा है कि गाय विश्व की माता है, सनातन धर्म की माता है। भगवान श्री राम ने भी गाय के लिए इस भूमि पर जन्म लिया था। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान बाके बिहारी कन्हैया जिसको आप छप्पन भोग लगाते हो, जिसके मंदिर में द्वारका मथुरा काशी जाते हो, वो कन्हैया नंगे पांव उस गाय को चराया करता था। मगर दुर्भाग्य मेरे देश का, मेरे भाई बहनों, कि आज इस देश की माँ सनातन धर्म की माता गलियों में कूड़े कचरे प्लास्टिक खा के अपने प्राण त्याग रही है, कतल खानों में जाकर वो कटने जा रही है। कतल खाने में जब वो जाती है मेरे भाई बहनों, उसको उल्टा लटका के उसके गले में चूड़ा मार के उसका सारा खून निचोड़ दिया जाता है। मेरे भाई, हमारे धर्म की माँ, हमारे सनातन की माँ जिसको हम माँ कहते हैं, और जो माँ निस्वार्थ भाव से, जिसने न जाति देखी न पाति देखी, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं देखते हुए उसने हम सबको दूध पिला के आज यहां तक पहुंचाया। मैं माँ पर दूध पिलाती तू माँ का माच बिकाते, तू जननी के सपने से तू पैसा आज कमाते। ए हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो दर्द कहानी, क्यों दया धर्म बिछड़ाया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। गौ माता बार बार अपने उस बाके बिहारी उस कन्हैया से पुकार कर रही है कि हे काना, हे काना, तूने सतयुग द्वापर युग त्रेता युग में मेरा साथ दिया, मगर इस कलयुग में एक बार आके देख, इस कलयुग के अंदर मेरे ही लालची बेटे अपने स्वार्थ के खातिर कुछ पैसों के लालच के भूखे भेड़िए मुझे कतल खाना तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हे काना, एक बार मेरी रक्षा के लिए इस कलयुग में आके देख मेरी स्थिति कितनी गंभीर है। मेरे भाई बहनों, सोचने का विचार सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि जो देश के अंदर अगर गाय नहीं बची तो मेरे भाई बहनों ये सनातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी, ये देश समाप्त हो जाएगा, हमारा धर्म समाप्त हो जाएगा। न मंदिर रहेंगे, नहीं हमारा बिजनेस नहीं रहेगा, न पूजा पाठ कुछ भी नहीं रहेगा मेरे भाई बहनों। इसलिए सबसे पहले हमें अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो गौ माता को बचाना है, इस देश को बचाना है तो गौ माता को बचाना है, हमारी इन बहन बेटियों की रक्षा।
रक्षा करनी है तो हमें सबसे पहले गौ माता को बचाना है, क्योंकि इस देश के अंदर कुछ आतंकी आकाओं ने, कुछ देशद्रोही गद्दारों ने एक षड्यंत्र बना रखा है, एक जाल फैला रखा है, जिन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए हर वो प्रयास किया है। मेरे भाई बहनों, किसी ने धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया, किसी ने गाय काटने का प्रयास किया, और किसी ने हमारी छोटी मोटी बहनों को उठा के लफ्ज याद करने का प्रयास किया। इसलिए मेरे भाई बहनों, अब हमें देश के युवाओं को आगे आना पड़ेगा। देखो, सरकारें आती हैं जाती हैं, उनको सिर्फ राजनीति से मतलब है, वोट बैंक से मतलब है, धर्म से किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा इन राजनीति के खिलाफ हूं, किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, न किसी राजनीति में जाता हूं और न आजीवन। लोग कहते हैं कि टाइगर भाई आप लोग तो स्पीच देते हो, भाषण देते हो, आप तो राजनीति में जाना चाहते हो, आप सांसद बनना चाहते हो। तो मैं कहना चाहता हूं, भी हमेशा कहता हूं मीडिया वालों को कि 15 साल हो गया, जाना होता तो आज कहीं भी सांसद बनके बैठ जाता, मगर मैं संकल्पित हूं कि मैं आजीवन राजनीति के तल में नहीं चाटूंगा, जिंदगी में कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। मेरा लक्ष्य, मेरा घर बार छोड़ने का एक लक्ष्य है कि मेरे देश धर्म की रक्षा हो, मेरी माँ की रक्षा हो, मेरी बहन बेटियों की रक्षा हो। कोई राजनीति में जाने के लिए घर बार नहीं छोड़ा, कोई राजनीति में जाने के लिए मैंने कोई मेरा परिवार नहीं छोड़ा। मुझे चिंता है, मुझे इस देश, मुझे चिंता है सनातन धर्म की, मुझे चिंता है मेरी बहन बेटियों की, मुझे चिंता है 100 करोड़ हिंदुओं की। मैंने एक परिवार छोड़ा, मगर मेरे 100 करोड़ परिवार मेरे साथ में खड़े हैं। इसका कारण यह है कि मेरा देश के अंदर हिंदू आज समस्या में है, संकट में है। इसलिए मेरे देश के नौजवानों, इन नेताओं पर ज्यादा भरोसा न करते हुए, ये अंधे मंत्री, गूंगे नेता, अपन सारे अधिकारी हैं, संसद में हत्यारे बैठे, हाथों में जिनके आरी हैं, अरे बहुत काटी गए हत्यारों, अब तुम्हारी बारी है। ये दिल्ली है भाई, बिल्ली है, बहुत चटोरी पिल्ली है, सबदन खा के म्याऊं ने बोले, इतनी दामुस पिल्ली है। इसलिए इन लोगों पर यकीन ना करते हुए अब सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें स्वयं को आगे आना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, भगत सिंह ने किसी नेताओं की चाटुकारी नहीं की, भगत सिंह ने किसी कानून से परमिशन नहीं लिया, मंगल पांडे ने किसी कानून से परमिशन नहीं लिया, छत्रपति शिवाजी ने किसी कानून से परमिशन लिया, महाराणा प्रताप ने किसी कानून से परमिशन नहीं लिया। तो हम कौन से कानून से परमिशन लेने की बात कर रहे हैं भैया? हम देश के कानून का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मानते हैं देश के कानून को, मगर कब कि देश के अंदर ऐसा कोई कानून हो, मेरी बहन बेटियों की रक्षा का कोई कानून हो, मेरी गौ माता की रक्षा के लिए कोई कानून हो, तब। वरना अगर माँ पे संकट आया, बहन बेटी पे संकट आया, तो देश के कानून को जेब में डालकर उनकी रक्षा के लिए हम आगे आएंगे। और देश का युवा कमजोर नहीं है, न सनातन धर्म को न छोड़े देंगे, न गाय कटने देंगे, न लव जिहाद होने देंगे। मेरे देश के युवाओं, मेरे भाई बहनों, आप लोगों को जागना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और इस धर्म की रक्षा में आप, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपके सामने वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं आपके सामने कोई धन मांगने नहीं आया हूं। अरे मुझे कुछ देना ही चाहते हो मेरे भाई बहनों, झोली में गौ माता की रक्षा की भीख चाहिए, मुझे सनातन धर्म की रक्षा की भीख चाहिए, वो मुझे दे दो मेरे भाई बहनों। सिर्फ इस लड़ाई में मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ में चलो, कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ में चलो। मेरे भाई बहनों, मैं आपको यकीन विश्वास दिलाता हूं कि इस देश के नहीं बल्कि दुनिया में कोई ऐसा मां का लाल पैदा नहीं हुआ जो सनातन धर्म की तरफ आंख उठा के देख ले। ठीक है, देखिए मैंने अपनी बात रखी, आप लोगों ने शांति से सुनी, और ये कोई नेताओं का स्पीच नहीं है। मेरे भाई बहनों, एक दिल का दर्द है, एक कट्टर हिंदूवादी गौ भगत के दिल का दर्द है, और इसको सिर्फ भाषण में इधर से सुनकर इधर से निकालने का प्रयास मत करना, अपने जीवन में उतारना। मेरी बहन बेटियों से मेरा निवेदन है, यहाँ पर जो बहन बेटी बैठी है इनसे भी मेरा निवेदन है कि अब हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। आप सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, और अगर जो एक्टिव नहीं है, जिनको पता नहीं है, वो लोग एक बार यूट्यूब खोल कर एसएस टाइगर लिख के देख लीजिएगा, वहां पर आपको देश की जानकारी मिलेगी, सनातन धर्म की जानकारी मिलेगी कि देश के अंदर क्या हो रहा है। हमें इन लोगों से सावधान होना है, और ये लोग कौन है, असामाजिक तत्व कौन है इस देश के अंदर जो हमारे धर्म को मिटाना चाहता है,
जो इस देश को मिटाना चाहता है वो लोग कौन है, उन लोगों से सावधान होना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा। और मेरे युवाओं से निवेदन है, जितने यहाँ पर युवा खड़े उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोगों से विशेष निवेदन है, हमारी गौ रक्षा कमांडो फोर्स की मुहिम है, उस मुहिम में जुड़िए आप। और उस मुहिम के जो असूल है मैं आपको बताऊंगा, उस असूलों में जुटकर देश धर्म की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाए। और वो मुहिम कौन सी है सुनो मेरी बात, जरा इधर मेरी तरफ ध्यान दो, वो आपके ऊपर नहीं गिरेगा। प्लीज साइलेंट हो जाओ एक बार, नहीं तो मैं माइक रख के मैं चला जाऊंगा। फिर गौ रक्षा कमांडो फोर्स देश के अंदर जो कार्य कर रहे हैं उस मुहिम को जरा जानने का प्रयास कीजिए, बहनों को भी और युवाओं को भी, सभी को, कि गौ रक्षा कमांडो फोर्स ने 3 नारे स्पेशल बनाए आप लोगों के लिए। और एक नारा मैंने मेरे लिए बनाया, वो नारा नारा नहीं है, वो हमारे कार्य का मिशन का एक शुरुआत है कि हम लोग कार्य कैसे शुरू करते हैं। नंबर 1, के हाथ काट दो सालों के, इस देश के अंदर हमारे इतिहास में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, किसी ने हाथ जोड़ के राजपाट नहीं जीता, हाथ जोड़ के धर्म की रक्षा नहीं की, इसलिए हमें भी हथियार उठाना पड़ेगा। 1500 का मोबाइल अपने घर में रखो मत रखो, 50,000-25,000 का मोबाइल अपने घर में रखो मत रखो, 1500 का हथियार अपने घर में लाके रखो। मेरे भाई बहनों, समय आने पर, वक्त आने पर वही काम आएगा, ये मोबाइल काम नहीं आएगा, वरना वीडियो बना बना के व्हाट्सएप पर डालते रहना। फिर मुहिम नंबर 2, आज देश के अंदर जातिवाद का जहर घोलने के लिए कुछ आतंकी लोग, कुछ राक्षस लोग, कुछ देश के देशद्रोही लगे हुए हैं, इसलिए हमने दूसरा नारा बनाया कि जातिवाद छोड़ो, हर हिंदू को जोड़ो। हम सब हिंदू एक हैं, हमें एकजुट बनकर एक भगवे के नीचे आकर हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा।